हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 31 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम पढ़ेंगे लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। पिछली वर्कशीट में हमने पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हमने जाना था, आज उसका आयतन कैसे निकालते हैं बेलन का वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि जो त्रिविमीय पदार्थ है या फिर कोई भी आकृति है उस द्वारा जितना उसने स्थान घेरा हुआ है ना, उसको मापते हैं हम किस तरीके से, आयतन उसकी धारिता से। ठीक है, धारिता होती है उसकी क्षमता, कैपेसिटी, कितना आ सकता है, आयतन उसका होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो बेलन का एक ऐसा प्रिज्म है, बेलन का एक ऐसा प्रिज्म है जिस जो क्या है जिसका आधार वृत्ताकार है। ठीक है ना, आधार क्या है, वृत्ताकार है। इसीलिए बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आधार का क्षेत्रफल है गुना में ऊंचाई। ठीक है, किसी का भी मान लीजिए आपको आयतन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल गुना में उसकी ऊंचाई, ऐसे निकालते हैं हमेशा। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का वर्ग होता है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होती है, एच है आपकी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, घर मात्र, ये क्या हो जाएगा, जो धारिता है। ठीक है, आयतन है किसका, बेलन का। ठीक है, अब देखो उदाहरण से समझते हैं आपको। पहला उदाहरण क्या दिया हुआ है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो सूप दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, ये 7 सेंटीमीटर का एक बेलन का एक कटोरी है। ठीक है, बेलन के आकार की, तो इसकी जो डायमीटर है, ठीक है, जो इसका त्रिज्या है, सॉरी जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगा, 7 का आधा। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी, 7 की आधा होगा। ठीक है, सो इसमें सूप दिया जाता है। तो मान लो एक यदि एक कटोरे को कितना भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता, 4 सेंटीमीटर तक ही ऊंचाई तक भरा जाता है। तो ऊंचाई कितनी है, एच कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है अस्पताल में अगर 250 रोगी हैं तो प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा। आप क्या करो, एक एक का निकाल लो भाई, एक कटोरे में कितना सूप आता है। ठीक है ना, एक का निकालो, उसको 250 से गुना कर दो। ठीक है, तो 250 लोगों का निकल आएगा। ठीक है, तो एक का निकालो कि क्या फॉर्मूला है, पाई आर का वर्ग एच। तो यहाँ पे पाई क्या है, 22/7, आर का वर्ग आर क्या है, 7/2। ठीक है, गुना में एच क्या है, हमारे पास 4 है, बस इसको सॉल्व कर दो, 7 से 60 कट गया, 2 से 22 कट गया 11, 2 से 4 कट गया 2, 7 2 14, 14 11 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 154 सेंटीमीटर का घन आ गया, ये एक का आया है। तो एक का आया आपको 250 रोगियों के निकालना है, तो इसको 250 से गुना कर दो, 250 गुना में 154 कितना आ जाएगा, 38500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण एक। उसके बाद है दूसरा, सीसी की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, क्या मान लीजिए, जो आपको पेंसिल होती है, अब आप खुद ही देखो आपकी पेंसिल किस तरीके से होती है, उसके अंदर सिक्का होता है, तो जो सिक्का होता है उसका आकार भी बेलन का होता है और जो पूरी पेंसिल होती है उसका भी बेलन का आकार होता है। तो ये मान लो ये अंदर का सिक्का है, ये पूरी पेंसिल है, तो वो कह रहा है कि ये सिक्का बाहर निकाल दो सिर्फ। ठीक है, ये सिक्का निकाल के जो ये बाहर वाला हिस्सा ना, लकड़ी वाला हिस्सा पेंसिल का, इसका आपको आयतन निकालना है, इसका भी निकालना है, ग्रेफाइट का भी और जो बाहर है उसका भी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का आपको निकालना है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इसका व्यास आपको कितना दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, इस 1 मिलीमीटर का आधा कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ये मिलीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में आपको निकाल दिया। ठीक है, तो इसका जो त्रिज्या है वो निकाल दी, त्रिज्या निकाल दी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर वर्ग का एच, क्योंकि बेलन आकार का है, पाई क्या है 22/7, आर का वर्ग आर क्या है 0.05 है, ये भी निकाला, और ऊंचाई तो पेंसिल की दे ही रखी है 14 है सेंटीमीटर, तो 14 से गुना कर दिया। तो बस अब इसको गुना किया है, इसको सॉल्व करके आंसर आया 0.11 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये आ गया, ये क्या आया, सिर्फ ग्रेफाइट का आया। फिर हमें निकालना गया है जो बाहर वाला वुड वाला है ना, ये निकालना है। तो इस पूरी पेंसिल का जो आयतन है उसके अंदर से अगर मैं ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचा हुआ निकल जाएगा, है ना। तो क्या करो, कुल का आयतन माइनस में ग्रेफाइट का आयतन कर दिया, कुल का आयतन क्या होगा, वही पाई आर का वर्ग एच, और इसका भी क्या होगा, पाई आर का वर्ग एच, क्योंकि दोनों ही बेलन आकार के हैं। तो पाई एच बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, आर वर्ग का एच माइनस आर स्क्वायर। सो आर का वर्ग क्या होगा, 7 कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई 22/7 है और एच हमारे पास क्या होगा, 14 है, इंटू में जो आर का वर्ग है वो क्या होगा,
0.35 यहाँ पे 3 मिलीमीटर है, इसका आधा कर दो, ठीक है 3.5 आ जाएगा, ठीक है उसको आप सेंटीमीटर में कर लोगे 0.35 आएगा। सो माइनस में जो ऊपर में 0.05 है, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा आपके पास 0.4 × 0.3 कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार इनको प्लस करो, ठीक है एक बार इनको माइनस करो, ठीक है इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो 5.28 cm³ आपका आंसर आएगा, ठीक है ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, ठीक है एक की तो एक तो क्या है आपका आयतकार आधार का टिन का डिब्बा है, ठीक है जो एक टिन का डिब्बा है जो जिसका आधार है वो आयत है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, ठीक है तो आपको क्या करना है ये आपको दे रखी है। दूसरा उसका व्यास जो है, दूसरा जो डब्बा, एक तो ये डब्बा है, दूसरा डब्बा क्या है ऐसे बेलन के आकार में है, ठीक है जिसका वृत्तीय आधार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास 7 है, ठीक है तो उसका आधा क्या हो जाएगा 3.5 क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो वो एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा दिया है, ठीक है एक उसकी धारिता, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है ये आपको बताना है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है ये आपको दिया हुआ, एक डिब्बा इस एक इसाकार का है और एक इसाकार का है, ठीक है किसकी धारिता ज़्यादा है ये आपको बताना है। तो देखो इसकी धारिता क्या होगी, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई होगा, तो लंबाई दे रखी है चौड़ाई दे रखी है ऊंचाई दे रखी है 5, 4, 15, तो इसको करोगे इसकी धारिता कितनी होगी, इसका आयतन होगा 300 सेंटीमीटर का घन। इसी तरीके से जो बेलनाकार का इसका निकालो, ऊंचाई आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, व्यास आपको 7 दिया हुआ है, उसका आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या, 7 का आधा त्रिज्या हो जाएगा, इसका निकालोगे तो 7/2 क्या है इसकी त्रिज्या है, गुना में 10h क्या है आपके पास ऊंचाई है, बस इसको हल करो 7 से 60 कट गया, 2 से 1 कट गया 11 पे, ठीक है 2 से 1 कट गया 5 पे, 7/5 = 35 × 11 = 385 cm³ का घन। तो इस डिब्बे का 300 सेंटीमीटर घन है, इसका 385 है, तो किसकी ज़्यादा है, तो देखो जो प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है इसकी ज़्यादा है ना, प्लास्टिक का जो बेलन आकार का डिब्बा इसके टिन से डिब्बे से ज़्यादा धारिता है, तो कितनी ज़्यादा है 385 में से 300 माइनस कर दो 85 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है ना यहाँ पे आप लिख लो अंतर, अंतर लिख लो, ठीक है यहाँ पे खाली अंतर कितना है 85 सेंटीमीटर का वर्क अंतर है, ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर है एक मिनट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इस पाइप की लंबाई है जो वो 35 सेंटीमीटर है, इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये आपको, जो पाइप है ना, ठीक है इस तरीके की पाइप होती है, ठीक है वो थोड़ी मोटी भी होती है, तो इस तरीके से बाहर वाला बेलन भी है और एक ये अंदर वाला भी है, ठीक है ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया, ठीक है तो जो बाहर वाला है उसका जो व्यास है वो 28 है, उसका आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर है ना, और जो अंदर वाला है उसका 24 है व्यास, उसका आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या है दोनों की और उसके बाद ऊंचाई दोनों की बराबर है 35 सेंटीमीटर ही है, तो पाइप का आयतन आपको निकालना है, कैसे निकालेगा, जो बाहरी आयतन है उसमें से आप आंतरिक आयतन बेलन का आयतन निकाल दो, तो बाहरी जो फॉर्मूला है आयतन वो तो सेम ही रहेगा पाई आर का वर्ग h, लेकिन आर दोनों के लिए अलग है, इसके लिए 14 है इसके लिए 12 है, बस वही करना है, इसका 14 का वर्ग है इसमें 12 का वर्ग है, पाई एच बार कॉमन ही आ जाता है, पाई 22/7 एच क्या है 35 है, तो इसको बस आप हल करोगे 7 से 35 कट गया 5 पे, ठीक है 22 पंजे और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हो जाएगा 26 और 2, इसको गुना करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5720 cm³ का घन, ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।